हमारा रोज का दिन सूरज उगने के साथ शुरू होता है और सूरज ढलने पे खत्म होता है। हमारा पूरा जीवन इसी चक्र के अनुसार बीतता है। पर क्या आपने सोचा है, कभी सनसेट हुआ ही नहीं तो क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि सनसेट नहीं होना एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन दुनिया में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो नेचुरल फिनोमिनन से अलग है। जब सनसेट नहीं होता है उस फिनोमिनन को मिडनाइट सन कहते हैं। दुनिया में कुछ प्लेसेस हैं जहां समर सीजन के वक्त सनसेट नहीं होता है। ये कौन सी प्लेसेस हैं? उनके बारे में हम इस वीडियो से जानते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉन्गयियरबियन, नॉर्वे। नॉर्वे यूरोप के नॉर्दर्न साइड में आने वाला सबसे इनहैबिटेटेड रीजन है। इस प्लेस पे अप्रैल से लेके अगस्त तक सनसेट नहीं होता है, जिस कारण लगभग हाफ ईयर यहाँ पे सन कंटिन्यूअसली दिखाई देता है। इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। यूरोप के बाकी हिस्से में रोज 20 घंटे सूरज की रोशनी होती है। उसके सिवा नॉर्वे में नवंबर के एंड से जनवरी तक सन होराइजन लेवल के ऊपर नहीं आता है, जिस कारण नॉर्थ में डेलाइट आवर्स बहुत ही कम होते हैं। आइसलैंड। नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच आइसलैंड नाम का नॉर्डिक आइलैंड नेशन है। अगर इस प्लेस पे आप दिसंबर में गए तो 20 घंटे पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन अगर आप अर्ली या लेट विंटर के वक्त गए तो मिडनाइट सन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जनवरी के बाद यहाँ पे डेलाइट सुबह के 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही होती है। कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा के कई हिस्से पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, लेकिन इनविक और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में गर्मी के मौसम में लगातार 50 दिन तक सनलाइट रहती है। ड्राई क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है। स्टॉकहोम, स्वीडन। नॉर्दर्न यूरोप में स्कैंडिनेवियन नाम का देश है। हाई लैटिट्यूड के कारण यहाँ पे डेलाइट की लेंथ बार बार चेंज होती है। स्टॉकहोम में लेट जून के दौरान डेलाइट 18 घंटे तक होती है और दिसंबर के वक्त डेलाइट सिर्फ 6 घंटे होती है। हेलसिंकी, फिनलैंड। फिनलैंड का एक चौथाई क्षेत्र आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है और यहाँ मिडनाइट सन को काफी दिनों तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिनलैंड के नॉर्दर्न साइड पे गर्मी के मौसम में कंटिन्यू 73 डेज तक सनसेट नहीं होता है। ठंडी के मौसम में 51 डेज तक बिल्कुल सनराइज नहीं होता है। तो ये थे कुछ प्लेसेस जहाँ का क्लाइमेट नेचुरल फिनोमिनन से अलग है। खासकर गर्मी के मौसम में सनसेट ना होने का कारण दिन लंबा होता है। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।